जिन भाई को बीसी परचेस करना है बिना कोई रिस्क के, यहाँ पर काफी इजीली बीसी परचेस कर सकते हो। 100% ट्रस्टेड है, पूरी गारंटी मेरी है। तो PUBG मोबाइल लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा जनता है और नॉन जैरो प्लेयर है, मेरे को ये बात पर्सनली पता है। तो भाई देखो, आपके लिए मैं ये वाली वीडियो लेके आया हूँ, आप अपना सेंसिटिविटी कैसे भाई काफ़ी इजीली तरीके से ठीक कर सकते हो 0.23.0 अपडेट के बाद। तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो देखो बेसिकली क्या होता है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बोलते रहते हैं कि भाई हमको सेंसिटिविटी खुद का बनाना है, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं भाई हमको नॉन जैरो के लिए सेंसिटिविटी दे दो, सेंसिटिविटी दे दो। बट बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको नॉन जैरो के लिए आप अपना खुद का सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में मतलब नॉलेज देने वाला हूँ, और साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी करके भी कैसे क्या करना है। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देख लेना। तो बिना देरी के ये वाला वीडियो पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सेंसिटिविटी में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, उनमें से भाई सबसे पहली होती है फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी, बाद में होती है कैमरा सेंसिटिविटी, एंड बाद में होती है ADS सेंसिटिविटी। तो जहाँ पर नॉन जैरो प्लेयर की बात करें ना, तो ADS सेंसिटिविटी मतलब सीमित रहता है, जैरो प्लेयर हो तो जैरो के लिए रहता है, बाकी अब नॉन जैरो प्लेयर हो तो ADS तक ही आपका यहाँ पर रहता है। तो बिना देरी के मैं आपको उस ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाता हूँ क्या कैसे चीज़ वर्क करती है। तो अपना रेंज का भाई यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड बोल सकते हो इसको, तो हमारे रेंज में भाई आ चुके हैं भाई, मेरे को यहाँ पर UMP और यहाँ पर M16 मिला था। तो सब सेंसिटिविटी में हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखो कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक वाली सबसे ऊपर सेंसिटिविटी है, बाद में कैमरा सेंसिटिविटी, एंड लास्ट में यहाँ पर ADS सेंसिटिविटी, क्योंकि हम नॉन जैरो प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं तो ये तीन सेंसिटिविटी के बारे में ज़्यादातर बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ भाई फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी बेसिकली क्या चीज होती है, और साथ साथ आपको दिखाऊंगा भाई मेरे को रेड डॉट 4x मिला था तो उसके एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगा भाई आप सेंसिटिविटी कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हमारी यहाँ पर फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी आपको दिख रहेगी, तो बाई डिफॉल्ट 120 है, तो आपकी भाई शायद 100 या 120 हो सकती है, और बेसिकली आई बटन में मूवमेंट में ज़्यादातर काम आती है, उसका ज़्यादा कोई यूज़ यहाँ पर बेसिकली होता नहीं है। अब बात करेंगे कैमरा सेंसिटिविटी भाई, कैमरा सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है, अगर आप कहीं पर बंदे के ऊपर स्कोप करते हो भाई भाई और आपको जो पूरा एम मूवमेंट करते हो तो सारा का सारा डिपेंड रहता है यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी के ऊपर, आप जितना भी स्कोप मोर को करवाते हो वो। देखो मेरा शॉट यहाँ पर ऑन है तो आप देख पा रहे हो, जो मेरा जैसे मैं अंगूठा यहाँ पर घिस रहा हूँ और जो मेरा यहाँ पर कैमरा का मूवमेंट हो रहा है तो इसको बोलेंगे कैमरा सेंसिटिविटी, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ना अभी हो रहा है नो स्कोप का कैमरा सेंसिटिविटी यहाँ पर हो रहा है। और सेम टू सेम मेथड जब आप रेड डॉट का आप जो मैं फायरिंग के साथ मैं कर रहा हूँ अभी तो इसको बोल रहे हैं ADS, अगर आप फायरिंग के साथ जो मूवमेंट करते हो उसको बोलते हैं ADS, और जो बिना फायरिंग के मूवमेंट करते हो उसको बोलते हो कैमरा सेंसिटिविटी। आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे आप, तो बात करेंगे अब कैमरा सेंसिटिविटी आप कैसे सेट कर सकते हो। तो बेसिकली देखो मेरा यहाँ पर रेड डॉट का कैमरा सेंसिटिविटी आप देख पा रहे हो, तो जब मेरा पूरा मूवमेंट कर पा रहा हूँ यहाँ से यहाँ, अब
ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर है। आप 50 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 70 रख सकते हो, या 80 रख सकते हो, 100 रख सकते हो। क्यों आपके ऊपर डिपेंड है? क्योंकि देखो हर एक बंदे का अलग अलग रहता है। अगर आप मैं थोड़ा थंब घुमाऊँ और मेरे को इतना पसंद आए तो मैं उतना रख सकता हूँ। तो सेम टू सेम मेथड से आप भी अपना यहाँ पर सेट कर सकते हो। कैमरा सेंसिटिविटी में ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, बाई डिफॉल्ट रख सकते हो, कोई ज़्यादा छिड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे ADS। तो ADS यानी कि एम डाउन साइट सेंसिविटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिविटी है भाई ये वाली, क्योंकि भाई यही चीज़ से आपका पूरा रिकॉइल कंट्रोल होता है। जो नॉन जीरो प्लेयर है उसी वजह से यहाँ पर पूरा रिकॉइल कंट्रोल ADS से ही यहाँ पर होता है। तो ADS को आप कितना सेट कर सकते हो, कैसे सेट कर सकते हो? तो बेसिकली देखो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाता हूँ। देखो जैसे हम फायरिंग करेंगे ना भाई, और जो मेरा यहाँ पर थंब देख सकते हो, राइट साइड में पूरा थंब है ना। हाँ भाई, हाँ राइट साइड में जो भी पूरा देख रहे हो ना, तो वो पूरा का पूरा जो मेरा मेरे पास मैं पूरा उसको कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो ये कारण होता है ADS से ही। अब आप डिपेंड करता है, देखो अब ADS आप कैसे सेट कर सकते हो। तो ADS सेट करने के लिए अगर आपका स्कोप बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो आपको ADS को प्लस करना है। क्या करना है? ADS को प्लस। और अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, आपका स्कोप एकदम नीचे घुस जाता है ज़मीन के अंदर, तो आपको ADS को माइनस कर लेना है। और सेम टू सेम मतलब आप लॉन्ग रेंज में फायरिंग कर सकते हो भाई। और ADS से भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि भाई मैंने काफ़ी टाइम पहले नॉन जैरो खेलना छोड़ दिया, काफ़ी टाइम हो गया मैंने नॉन जैरो छोड़ दिया है खेलना, तो मेरे से भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो भाई आपके साथ भी ये दिक्कत हो जाएगी, अगर आप जायरो प्लेयर हो तो मेरी बात मतलब आप समझ सकते होंगे। तो आप देख सकते हो भाई ADS सेंसिटिविटी आप ये वाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ADS को बहुत ज़्यादा प्लस करता हूँ और फायरिंग करता हूँ, तो भाई ये मतलब अनस्टॉपेबल से जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेंस सेट कर सकते हो। अगर आपका स्कोप बहुत ज़्यादा इधर ऊपर जाता है तो आपको प्लस कर लेना है, और बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो आपको माइनस कर लेना है ADS को, नॉन जेरो प्लेयर हो तो। और मैं अब मेरा पूरा सेंसिटिविटी आपको दिखा देता हूँ, और आई होप कि आप समझ गए होंगे ADS कैसे काम करता है, कैमरा सेंसिटिविटी कैसे काम करता है यहाँ पर। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सेंसिटिविटी दिखाया, वो आप ऐसे रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। बाद में उसको चेंजेस करके, मॉडिफाई करके आप उसको बेटर सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो बस मतलब आज के वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।